A box of negligible mass containing 2 moles of an ideal gas of molar mass m and adiabatic exponent गामा यानी CP by CV आपको गामा दिया गया है with constant speed v on a smooth surface. If the box suddenly stops, then the change in temperature of the gas will be. तो यार गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉक्स की वजह से जो है वो हाफ एमवी स्क्वायर होगी, जहां पे एम मास ऑफ गैस होगा. अब मास ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है. और ऐसा ऑप्शन में कैपिटल एम भी आ रहा है, स्मॉल एम एन तो दिया नहीं गया है, इसलिए हाफ एमवी स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हैं. फिर मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया है. वैसे ये भी स्टैंडर्ड होता है कि CV इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन. ऑप्शन में आर भी दिख रहे हैं. अब लेकिन भाई चेंज इन टेम्परेचर हमें निकालना है, हमें डेल्टा टी निकालना है. तो यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, ऐसा होता है या नहीं, है ना? अब उसी से हम लोग सीवी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी कर सकते हैं. इस सीवी की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, इसलिए ये मैंने पहले से निकाल के रख दिया था आपके पास एन डेल्टा टी. अब आप यहां से लिख सकते हो कि आर एन डेल्टा टी गामा माइनस वन नीचे आ गया, ये यू के बराबर है. अब जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा या चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से आएगा, ठीक है ना? अब यू को या डेल्टा टी या डेल्टा यू भी कर लो, ज्यादा सही रहेगा. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज कमिंग ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो बॉक्स पहले चल रहा था तब काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, अब बॉक्स रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, है ना? बॉक्स जब रुक जाएगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है. तो यार वो माइनस जीरो लिखो चाहे ना लिखो, कोई बात नहीं. यहां पे यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स दो दिए गए थे वो भी फालतू में दिए गए थे, क्योंकि एन और एन तो कट गया हमारा. अब हमें करना क्या, डेल्टा टी को आइसोलेट करना है, बस काम हमारा हो चुका है. एम वी स्क्वायर गामा माइनस वन आर नीचे आ जाएगा, टू नीचे आ जाएगा. तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, गामा माइनस वन एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर, ऑप्शन नंबर 4. भाई चुनाव का मौसम चल रहा है यहां पे, ये शोर हो रहा है. ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर 4.